हमारा यह ब्रह्मांड रहस्य से घिरा हुआ है। इसी ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी भी मौजूद ग्रहों में से एक है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसमें शायद ही पृथ्वी की कोई गिनती हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सूरज जैसे अरबों सूरज इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। दोस्तों, जो आपको आसमान में तारे दिखाई देते हैं, यह तारे पृथ्वी से देखने में तो काफी ज्यादा छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि यह सभी सूर्य हैं, और इन सभी सूर्य के चारों ओर भी अनेक ग्रह और उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि ब्रह्मांड के सामने हम इंसान क्या है, क्या है हम इंसानों की ब्रह्मांड के सामने हैसियत। इस वीडियो को देखने के बाद आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब आप जानोगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और इतने बड़े ब्रह्मांड में हम कहां एक्सेप्ट करते हैं, या फिर हमारा अस्तित्व इसके सामने कुछ मायने रखता भी है या नहीं। क्या इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी भी दुनिया है जहां पर जीवन संभव है, और क्या इस ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर एलियन रहते हैं या इंसान? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर रहने वाले लोगों की संख्या यानी पूरी धरती की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है, लेकिन धरती पर मौजूद ये सभी 8 अरब लोग लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 150 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से काफी ज्यादा बड़ी है। हमारी धरती का व्यास यानी धरती की मोटाई लगभग 13,000 किलोमीटर है। वहीं पर चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1,00,000 हिमालय जैसे पहाड़ समा सकते हैं, और हमारी धरती इतनी बड़ी है कि धरती के अंदर चांद जैसे लगभग 50 उपग्रह समा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि धरती कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बार सोच करके देखिए, धरती के सामने हम कहां टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस दूरी के अंदर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रह समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो हमारा सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज के व्यास लगभग 14,00,000 किलोमीटर है, और धरती के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13,00,000 धरती समा सकती है। यानी सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए, हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। न सिर्फ इंसान ही, बल्कि सूरज की विशालता के सामने धरती और चांद की भी कोई हैसियत नहीं दिखाई देती। यह तो थी पृथ्वी के बारे में जानकारियां जिस ग्रह पर हम रहते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में और भी ग्रह मौजूद हैं जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। दोस्तों, हम आपको सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों के बारे में आपको रोचक और रहस्यमयी जानकारियां देते हैं। क्या आप जानते हैं बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, और हर एक बीतते दिन के साथ ही और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। और क्या आपको पता है, जुपिटर यानी बृहस्पति का आकार इतना बड़ा है कि उसके अंदर हमारे सौर मंडल के बाकी सभी ग्रह 2 बार समा सकते हैं। हमें यकीन है आपको ये बातें पहले से पता नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही हमारा है और हम बस इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों की जमीन, वहां का वायुमंडल, हवा, पानी और तापमान कैसा है, और इन अलग अलग ग्रहों से हमारा सूर्य कैसा दिखाई देता है। आज हम आपको सौरमंडल के सभी ग्रहों की सैर कराने वाले हैं, जिसके बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको एक एक करके तस्वीरें और फोटोज भी दिखाएंगे ताकि आप इनका असली रूप देख सके। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। चलिए अब एक एक सभी प्लेनेट के साथ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी की। यह सभी ग्रहों में सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। मरकरी सूर्य से सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, और उसका अपना कोई वायुमंडल नहीं है। इसकी सतह चांद की तरह गड्ढों से भरी हुई है, और ये कोई ऐसे वैसे मामूली गड्ढे नहीं है, बल्कि उल्कापिंड और धूमकेतु की गर्मी से बने हैं। कुछ गड्ढे आकार में कई किलोमीटर तक लंबे और कई किलोमीटर गहरे भी हैं।
मरकरी पर खोजे गए सबसे बड़े गड्ढे का व्यास करीब 1500 किलोमीटर है। कोई भी वायुमंडल न होने की वजह से यहाँ दिन में तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात के समय -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसलिए इस ग्रह पर इंसानों का टिकना बिल्कुल नामुमकिन है। आकार में यह हमारी पृथ्वी का आधा से थोड़ा कम है, और इतना ही नहीं, हर बीतते दिन के साथ सिकुड़कर और भी छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि पिछले करीब 4 बिलियन सालों में 14 किलोमीटर घट चुका है, और उसके घटने की वजह है रात को पड़ने वाली सर्दी। हैरानी की बात यह है कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होते हुए भी इस सौर मंडल का सबसे गर्म दिन नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की तरफ। यह ग्रह सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है। वीनस हमारे सौरमंडल के उन दो अनोखे ग्रहों में से एक है जो अपने अक्ष पर उल्टा यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से बना कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका रहता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के आसपास बनता है, और सूर्य की गर्मी वायुमंडल में कैद होकर रह जाती है। यही वजह है कि इस ग्रह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच जाता है। वीनस ग्रह पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, और इसकी सतह भी बड़ी बड़ी चट्टानों और ज्वालामुखी से निकले लावा से मिलकर बना है। यहाँ का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 90% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर चलना हमें ऐसा महसूस होगा जैसे हम समुद्र के कई किलोमीटर नीचे चल रहे हैं। यही वजह है कि इस ग्रह पर भेजा गया कोई भी मिशन या स्पेसक्राफ्ट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। साथ ही वीनस के बाद बारी आती है हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर ही सौरमंडल का खेला है। इस ग्रह पर जीवन संभव है क्योंकि हम अपने पृथ्वी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हैं, इसलिए चलिए इसकी बात नहीं करते। तो पृथ्वी के बाद बारी आती है मंगल यानी मार्स ग्रह की। इस ग्रह की सतह और मिट्टी लाल रंग की है, और स्पेस से देखने पर यह लाल रंग की गेंद के जैसा नजर आता है, इसलिए इसे रेत प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम इंसानों को जीवन पाए जाने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। यहाँ की जमीन में आयरन की मात्रा बहुत अधिक है, और यही इसकी धूल और मिट्टी में भी पाया जाता है। यह का वायुमंडल पतला और ठंडा है, जिसके चलते उसकी सतह पर पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल पर धूल भरी आंधी और तूफान आना आम बात है। सूर्य से करीब 228 मिलियन किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ का औसत तापमान -55 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाता है। यहाँ की सतह हमारी पृथ्वी के चट्टानी और रेगिस्तानी इलाकों से काफी मिलती जुलती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद एक समय मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। हम आशा करते हैं कि आपको सभी ग्रहों के बारे में जानकारियां हासिल करके काफी अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इन ग्रहों में से पृथ्वी हमारा सबसे अच्छा ग्रह है। इस वीडियो में कुछ ग्रह के बारे में जानकारी देना बाकी रह गया है, जिसकी जानकारी हम किसी और वीडियो के साथ आप तक पहुंचा देंगे। अगर मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो तो क्या आप रहकर वहां पर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।